स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन। भारतीय बाजारों में आज जो बड़ा इवेंट था वो निकल चुका है। क्रेडिट पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं, स्टांस जस का तस रखा गया है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा एंथुजियाज्म बना हुआ है। करीब 80 अंकों का इजाफा निफ्टी इस समय आपको पेश करेगा। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर है 280 अंकों की बढ़त पर, और निफ्टी बैंक 47,000 के पार निकल पाने में कामयाब है। नजरें रहेंगी कि हम 47,200 तक जाते हैं या नहीं। फिलहाल मिड कैप इंडेक्स जो ज़्यादा तेज़ी में था प्री पॉलिसी, वहाँ पर अब थोड़ा सा कर्टेल ट्रेड है। 75 अंकों तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन आज के दिन क्लियरली इंटरेस्ट सेंसिटिव्स फोर फ्रंट पर है। बैंकों में हमने देखा एक अच्छी खासी तेज़ी बनी है। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, दिग्गज बैंकों में HDFC बैंक 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ, इंडसइंड बैंक में खरीदारी का सिलसिला अब जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक में भी थोड़ी बहुत रिकवरी लौटती हुई दिखाई दी है। सुबह से एक ट्रेड हम मेंशन कर रहे थे, LIC हाउसिंग फाइनेंस वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल था ये, और अब भी टॉप 3-4 गेनर्स में है। 3.75% की तेज़ी। RBL बैंक भी खरीदारी की तरफ ही बैठा है। तो ये इनफैक्ट मोमेंटम गेनर्स हैं आज के मार्केट के, जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप गौर करें एक और पॉकेट स्ट्रेंथ की, सरकारी कंपनियाँ PFC REC जैसे काउंटर्स, NTPC जैसे काउंटर्स, कोल इंडिया, हेल जैसे काउंटर्स, इन सब में तेज़ी की ही पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। तो ये एक और पॉकेट जहाँ पर हमने देखा एक अच्छी खासी मजबूती का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं, उसमें पावर में IEX भेल जैसे काउंटर्स हैं, जहाँ पर हम देख रहे थे कुछ कुछ विराम देखने को मिला है उस तेज़ी पर। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति। मेटल्स में ज़्यादा रुझान खरीदारी का साफ बनता दिखाई दिया है। मेटल इंडेक्स में JSW स्टील स्पेशली 3.5% तक के गेंस पर कर रहा है कारोबार। फटाफट से यहाँ पर चीनी कंपनियों की भी करेंगे, वो पॉकेट जो एक लगातार बिकवाली के ग्रिप में रहा है। आज हालांकि हमने देखा है बलरामपुर चीनी करीब 2.5% नीचे। कल जो सरकार ने फैसला लिया कि शुगर केन जूस से दरअसल एथेनॉल नहीं बनाया जाएगा, उसी का इम्पैक्ट शुगर स्पेस में देखने को मिला है। अब इसका ज़्यादा असर कंपनियों पर इंडिविजुअली क्या बनता दिखाई देगा, बाजार इसे कैसे पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है समझना। और इसी पर बात करेंगे बलरामपुर चीनी के मैनेजमेंट से, और अनुज के पास चलेंगे जो बात करेंगे विवेक सरावगी से। शुक्रिया हर्षिता, और इस समय विवेक सरावगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बलरामपुर चीनी, इंडिया की सबसे बड़ी शुगर मिल। विवेक जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इतने समय के बाद आपसे बात हो रही है, और एक इतने इम्पॉर्टेंट इशू पर आपने सबसे पहले CNBC आवाज़ के साथ बात करने का टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अनुज फॉर हैविंग मी। ओके, तो विवेक जी ये बताइए, कल काफ़ी पैनिक था शुगर स्टॉक्स में, और इनफैक्ट दो दिन से पैनिक था, और जो हमें सुनने में आ रहा है कि शायद शुगर कंपनियों को इस चीज़ का एक अंदाज़ा था और ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन आपके हिसाब से ये कितना बड़ा झटका है द फैक्ट कि अब शुगर केन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, शुगर केन जूस को एथेनॉल के लिए, हालांकि अभी ये सिर्फ एक साल के लिए किया गया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि एक पूरी स्टोरी पे एक पूरा पर्सपेक्टिव दे देता हूं, तो आसान होगा समझना। तो ये किसी को अंदाजा नहीं था, पहली बात। इट्स अ शॉक, इट्स अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आई वुड से इट्स अ नी जर्क रिएक्शन। तो मैं दो तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट क्या करती थी। तो 2015 में ये पॉलिसी की शुरुआत हुई, वे गवर्नमेंट सेड कि मैं आपके सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठे देखूंगा। तो ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते थे, एथेनॉल का प्राइस बनाते थे, FRP देखते थे, और किसान कितना गन्ना उगा रहा है और कितनी रेवेन्यू हमको चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा करके एक फुल प्रोग्राम बना 2015 में। ये सालाना सालाना चलते चलते आज ये 8वां साल है, और ये प्रोग्राम सबके लिए सबके हित में निकला। किसान जितना गन्ना बोना चाहता था बो लेता था, इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी बढ़ा देती थी, इंडस्ट्री एथेनॉल में इन्वेस्टमेंट करती थी, शुगर एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करती थी, जो चीनी बनती थी गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कोटा के थ्रू, रियलिस्टिक मूव्स के थ्रू, कि FRP के हिसाब से उनको जितना रेवेन्यू मिलना चाहिए मिलों को, उस पर ध्यान रख के शुगर का प्राइस देखती थी। इसके बाद एथेनॉल में जितना डाइवर्शन करना चाहती थी उसके हिसाब से एथेनॉल का प्राइस बनता था,
जूस का प्राइस बना, फुल जूस पे जाने का इनकरेजमेंट दिया गया, बीएवी के प्राइसेस को रिकग्नाइज करते थे। बीएवी क्या है, जूस की जितनी चीनी आप मोलेसेस में डालते हैं उतना का उतना चीनी का आपको बाजार भाव मिल जाए, उस हिसाब से ये प्राइस डिटरमिन करते थे। तो इतनी प्रैग्मेटिक, इतनी करेक्ट मैथमेटिक्स से, इतनी गहरी सोच से ये पॉलिसी बनी। किसान को उनका पैसा मिलता था टाइम पे, क्योंकि एथेनॉल का कैश फ्लो हमको मिलता था, बैंकर हमारे से जुड़ जाता था, बैंकर को लगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं इस इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट चीनी का दाम देखती है, एथेनॉल पूरा लिफ्ट हो जाता है, एक महीने में उसका पैसा आ जाता है, सारा का सारा एक एक होलिस्टिक पॉलिसी थी विच हैड सो मच फॉर द रूरल इकोनॉमी। इसमें रूरल इकोनॉमी के साथ क्लाइमेट पे बहुत फायदा था। आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सारे ग्लोबल फोरम में कार्बन एमिशन कितने बचे वो बताया, 10% पहले अचीव हो गया सोचने के वो बताया, 15 और 20 की वो और अग्रसर हो गए वो बताया। गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज के साथ साथ सीएम को कहा कि तुम अपने व्हीकल्स मॉडिफाई करो, वो 12 पे गए, 15 की तैयारी, फ्लेक्स फ्यूल 20 की तैयारी, एक पूरा रनवे बन रहा था कि 20 कैसे जाए। शुगर केन क्या रॉ मटेरियल इनफ नहीं था बीएवी के रूट से, तो गवर्नमेंट ने कहा जूस में इन्वेस्ट करो बिकॉज दैट इज एडिशनल एथेनॉल अवेलेबिलिटी। उसके जूस के करेक्ट प्राइस की डिस्कवरी हो रही थी विच वुड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने मिर्जापुर में लगाया, खाली जूस बनता है, खाली एथेनॉल बनता है, एक दाना चीनी नहीं बनती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया और एक पूरी सुंदर पॉलिसी बन गई। ग्रेन से कहा ग्रेन कैपेसिटी लगाओ, ग्रेन का दाम अगर बढ़ गया ब्रोकन राइस का बीच सीजन में इन्होंने एथेनॉल का प्राइस रिवाइज किया। सो हम लोग इस मार्ग पे चल रहे थे कि एफआर हर चीज की सच्चाई 24 घंटा देखी जा रही है, तुरंत एक्सपोर्ट की परमिशन आती थी एटसेट्रा एटसेट्रा, एस्टिमेटिंग दी प्रोडक्शन एंड देयरफॉर डिफाइनिंग दी सरप्लस। तो मैं इसको जो आपको बोला, आप देखिए इसमें कितना हित है पूरे इकोसिस्टम का, इंक्लूडिंग बैंकर्स। अब ये जो हुआ है, दिस इज अ नी जर्क रिएक्शन, ये अचानक सडनली आके एक ब्रेक लगा दिया, गाड़ी जो चल रही थी तो ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकी नहीं, हल्का सा झटका भी लगा, पैसेंजर्स इंजर्ड भी हुए, इफ आई कैन गिव अ नाइस एग्जांपल। सो दिस इज ए शॉक फ्रॉम द यू नो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वी गेट टू अंडरस्टैंड इट। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है मैं आपको बताता हूँ। चलिए अनुज आप पूछिए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। आपने बोला कि इट्स अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू और इट्स अ शॉक, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बहुत क्लियर रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग हमको पहुंचानी है एक पर्टिकुलर लेवल पर, और जैसा आपने कहा कि ग्रीन एमिशन और ग्रीन फ्यूल पर जाना है, तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो वो क्लियर है। एक व्यू ये बन रहा है कि ये शायद सिर्फ एक, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा जनरल इलेक्शन सर पर खड़ा है और शुगर जैसी कमोडिटी को लेकर रिस्क नहीं ले सकती सरकार, इसके लिए किया गया है विवेक जी। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मूव है जिससे आपको शायद 6 महीने फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वापस चीज पटरी पर आ जाएगी? 6 महीने गाड़ी आपको स्लो चलानी पड़ेगी, उसके बाद वापस हाईवे आ जाएगा। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं, ये शायद गवर्नमेंट का प्रोग्राम डिसमेंटल नहीं होगा, ये मेरे को भी पूरा भरोसा है। शायद 6 महीना जनरली आप जो कह रहे हैं सारी बातों से मैं फोन मानता हूं। अब प्रॉब्लम ये है, देयर इज अ बेटर वे टू हैव डन इट। अगर ये बात चर्चा करके कहीं कंसल्ट करके की जाती तो इसके बहुत तरीके निकल आते हैं। प्रोडक्शन हम लोग एस्टिमेट करते हैं, बोलते भाई 80% टेंडर का उठाओ, नी जर्क नहीं होता। मैं 100 तरीके थे इसी लक्ष्य पे पहुंचने का इस तरीके के अलावा, तो इससे क्या कॉन्फिडेंस हिट होता है? मेरे को शुगर मिल छोड़िए, आप बैंकर को देखिए, किसान को देखिए, एक पूरे माहौल में पैनिक है। आज शेयर होल्डर को देखिए, किसी को भी देखिए, अचानक पैनिक का माहौल बना दिया। सो ये मेरे हिसाब से, though I must really appreciate the central government and the state government for the way they behaved over the past 8 to 10 years, isme mere koi doubt nahi hai, ye 3-6 mahine ka jo jhatka ye hum bilkul is hamare koi manai nahi isme, chini ka dam agar kuch kam hota hai consumer, sorry मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट का वो, लेकिन आप कह रहे हैं कि और 10 तरीके हो सकते थे इसमें, कोई एक दो तरीके आप मुझे बता सकते हैं? और हो सकता है कि अगर आप एक कंसल्टेशन करना चाहें अभी भी मिनिस्ट्री से, शायद वो हो सके उस पर काम, बता सकता हूँ आपको। तो लेटेस्ट से इनको एथेनॉल डाइवर्शन 30 लाख की जगह 20 लाख करना चाहिए था, आज शायद 12-15 लाख पे ले आया झटका देके, तो इतना बड़ा झटका की दरकार नहीं थी। अब महाराष्ट्र का व्यू क्लियर है, काफी यील्ड्स की समझ आ गई है,
यूपी जो सोचते थे शायद उससे 1-2% ज्यादा गन्ना है, तो एक पूरी समझ आ गई थी सिस्टम में कि अब कितना प्रोडक्शन होगा ग्रॉस और नेट। अपने वी हैव बीन प्रिडिक्टिंग फ्रॉम ईस्मा एज बलरामपुर एंड एज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव सैटेलाइट इमेजरी, वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड नाउ। तो अपने बहुत तरीके थे, शायद 30 लाख की जगह 20 लाख डाइवर्शन अलाउ करते, 10 का बफर रख लेते, चीनी का जो दाम गिराने का उद्देश्य था वो फिर भी अचीव हो जाता। तो एक तरीका जैसे मैंने आपको बताया 30 का 20 कर देते, कह देते भैया जो टेंडर है उसका 70% ले लेंगे, उसके बाद का बाद में जानेंगे, तुम लोग अपना प्रोग्राम उसी हिसाब से बना लो। कल सुबह मेरे को मिर्जापुर फैक्ट्री नहीं बंद करनी पड़ती। सो तरीके थे उसमें कॉन्फिडेंस था लोगों, फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, एक बंद करनी पड़ेगी, फिर 5-7 दिन चेंज करके चलानी पड़ेगी, जूस बैन कर दिया ना जी। ओके, तो उसमें आपके हिसाब से कितना फाइनेंशियल लॉस आएगा विवेक जी इस अगले 6 महीने में? नहीं, बट उससे लॉस नहीं आएगा क्योंकि ईश्वर की कृपा से बलरामपुर ग्रुप की हमारे समूह की फैक्ट्री एक दूसरे के पास पास है, उसका गन्ना हम दूसरे यूनिट में ले लेंगे और 5-6 दिन में इसको चालू कर देंगे सीएवी पे। ओके, तो ऐसा क्या इस समय शुगर को लेकर वाकई में थोड़ा रिस्क लग रहा है, क्या प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं? और एक और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि फार्मर को किस तरीके से लिया जाए इसमें, क्योंकि एक साइक्लिकलिटी खत्म हो रही थी इस सेक्टर में, अब क्या वापस एक थोड़ा सा ये रिस्क आ जाएगा कि अगर इस तरीके से पॉलिसी में वापस चेंजेस होते हैं तो फिर से एक साइक्लिकलिटी फैक्टर का इशू आएगा, क्या फिर फार्मर थोड़ा डरेगा शुगर किन फार्मिंग से? नहीं, जैसा अनुज आपने कहा कि 6 महीने का ही लगता है झटका जनरल इलेक्शन तक, मैं भी उस बात से सहमत हूं, तो आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म ऐसा कोई प्रोग्राम डिसमेंटल होगा, झटका लगेगा, बट एक बार तो शॉक से सब हिल जाते हैं ना सिस्टम में, भाई एक्सीडेंट हुई, हड्डी टूटी, तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना, तो इलाज लगेगा, अब इलाज में जो दर्द होगा सबको सहना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म कुछ नहीं डिसमेंटल होता दिखता है। चीनी के दाम करेक्ट करने का ये तरीका गवर्नमेंट ने इख्तियार किया, उनको चीनी के दाम घटाने थे, दिस इज द वे इन माय माइंड दे हैव चोजन इट, आई एम नॉट अगेंस्ट देयर ऑब्जेक्टिव और देयर थिंकिंग, आई एम जस्ट अगेंस्ट द वे इट्स बीन डन, वी कुड हैव डन इट इन अ मच स्मूदर कंसल्टेटिव वे व्हिच वुड हैव अचीव्ड द सेम ऑब्जेक्टिव एंड इट वुड हैव केप्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इंटैक्ट, हर इंसान जो हमसे जुड़ा हुआ है उसका कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं रहता और हम यही डिलीवर कर देते गवर्नमेंट को और उनकी जो मंशा थी उसको अचीव भी कर लेते। नहीं, एक तो आपने बोला कि ठीक है आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि आप अपने ग्रुप फैक्ट्रीज में वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जो हाँ नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन अब क्योंकि जो अगले 6 महीने के लिए इमेजिन करिए, अब वो जो गन्ने का जूस है वो आपको शुगर में ज्यादा लगाना होगा, एथेनॉल में कम लगाना होगा, तो उस हिसाब से जो करंट शुगर के प्राइसेस चल रहे हैं और जो करंट आपका एथेनॉल का मार्जिन है उसके हिसाब से आपके पीएनएल पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? तो अनुज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट दैट वे, बट एक ही चीज समझ लें, लॉस सिर्फ एक आएगा एंड ऑफ द डे में, चीनी का दाम, जो बाकी सब ये रिकवर्ड है, कि आप एथेनॉल नहीं बनाएंगे उतनी चीनी बना लेंगे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज चीनी का दाम जो घटेगा इस शॉक से, वही इंपैक्ट सबके पीएल पे आएगा, ना बलरामपुर की बात नहीं, हर एक कंपनी कंट्री में एक ही इंपैक्ट है। ओके, तो इथेनॉल के वॉल्यूम्स कितने गिरेंगे आपके यहाँ से विवेक जी? 20% तक इथेनॉल वॉल्यूम्स गिरेंगे यहाँ से? ज्यादा ज्यादा, हम तो 10 करोड़ तो जूस में बिड किया था बलरामपुर ग्रुप ने, 10 करोड़ एक्सेप्टेंस आया हमारे पास, अब शायद उसके खिलाफ कल बंद कर दिया तो 1 करोड़ के करीब उठे, जस्ट अ वेरी रफ फिगर, 90 लाख जो बन चुका है अब तक, तो इतना तो एथेनॉल का बलरामपुर से गया एक झटके में, अब उसके खिलाफ कुछ सी बनेगा तो आई डोंट नो कितना मेकअप होगा, शायद 1-2 करोड़ मेकअप हो, तो 8-9 करोड़ तो हमारा कम हो जाएगा, बट सी वो लॉस एक अलग है, वो चीनी बन जाएगी, अब वो चीनी बन के उसका दाम कम मिलेगा, लॉस वही है, एथेनॉल गवर्नमेंट को कम मिलेगा, चीनी बन के कम, दैट इज क्लियर, 10% भी मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना विवेक जी, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि शुगर में मार्जिन कम होता है, इथेनॉल में मार्जिन ज़्यादा होता है, ये एटलीस्ट मेरी समझ है जो मैं पढ़ रहा था कि ओवरऑल इबिड्डा पर करीब 4-5% का इम्पैक्ट आएगा। नहीं नहीं नहीं, 0-0 ऐसा कोई भी फर्क नहीं है, जो चीनी जाती एथेनॉल में उसी का दाम मिलता है ना अनुज, व्हाट शुगर यू सैक्रिफाइस इन बी हेवी एंड जूस
वो अगर आपको मार्केट प्राइस में बिक जाता है तो जीरो नुकसान होता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और फिक्स कॉस्ट आइडियल होते हैं, तो चीनी का दाम जो करेक्ट नहीं मिलेगा उतना ही लॉस है। तो इट कम्स डाउन, बॉइल्स डाउन टू ओनली वन थिंग, चीनी का दाम जो घटेगा लॉस वही है, okay. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ रिप्रेजेंटेशन हुआ है क्या इंडस्ट्री की तरफ से विवेक जी? इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन लगे हैं जी? तो साउथ के लोग हैं, सिस्मा इज मेट, यूपीएसएम इज मीटिंग, फेडरेशन इज मेट, अमंग स्टार सेल्स हम लोग रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। We have sought time and we will be seeking time with all the concerned people and to sensitize them कि जिस बच्चे को आपने पैदा किया, पाला पोसा और इतनी बढ़िया जगह लाके खड़ा कर दी, अचानक क्या किया भाई? तो विवेक जी, इस समय सिचुएशन क्या है कंट्री में? शुगर की इस समय कितनी प्रोडक्शन है, क्या प्राइसिंग चल रही है और क्या इस मूव से क्या प्राइसेस पे इंपैक्ट आएगा आपके हिसाब से? तो अनुज गुड क्वेश्चन, बट जवाब अभी लगे हाथ है नहीं। तो मोटी बात, प्रोडक्शन 15 लाख टन से गवर्नमेंट ने पक्का बढ़ा दिया है, मोटी बात। इस नीजर रिएक्शन से 15 लाख टन से 17 लाख टन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, देयरफॉर कुछ माल ज्यादा बन जाएगा डोमेस्टिक कंजम्पशन से। मेरे हिसाब से कम नहीं भी तो 315 चीनी बनने का आसार हो गया, 315 लाख टन डोमेस्टिक कंजम्पशन, 285 लाख टन है, 30 लाख इस साल आप सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं, उस सरप्लस का क्या करेंगे? अब आई एम श्योर गुड सेंस विल कम इन, ये प्रोडक्शन हो जाए तो गवर्नमेंट क्या मालूम फिर एक्सपोर्ट आफ्टर इलेक्शन अलाउ करे, क्या करे, आई एम श्योर। और देखिए मैं एक चीज और बोलूंगा साथ साथ, गवर्नमेंट पे मेरा पूरा भरोसा है, इस गवर्नमेंट पे मेरे को पूरा भरोसा है। okay. 10 साल में पहली बार मौका मिला है दुखी होने का इनके साथ, तो मेरे को लगता है ये भी ये समझ के सही कर लेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये बात आपने पहले भी बोली है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल। और देखिए विवेक जी, ये बात तो आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि जनरल इलेक्शन है और मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़ा इलेक्शन है और किसी भी सरकार की प्रायोरिटी ये होगी कि इलेक्शन जीता जाए पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे, इवन दो मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसी भले ही इंटैक्ट हो। अच्छा, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी उस, हाँ बिल्कुल, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी उसमें ये कह रहे थे कि शुगर कंपनियों ने ऑलरेडी 6 महीने का एक एथेनॉल सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 का, वो डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या ये कॉन्ट्रैक्ट भी अब खारिज हो जाएगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आपके FY24 के नंबर्स पर इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? धीरे धीरे, अगेन आई रिपीट, जो कॉन्ट्रैक्ट है जूस का इनवैलिड है यस्टरडे से, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड व्हिच वाज देयर व्हिच वाज साइंड एज आई टोल्ड यू, बलरामपुर का 10 करोड़ का जूस का कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इट इज टर्मिनेटेड यस्टरडे, whatever production I do till yesterday will be lifted, the rest is terminated. Okay. So that contract, even though signed, does not hold good anymore. तो चीनी ज्यादा बनेगी, तो उसकी आपको शुगर बनानी पड़ेगी, सारी चीजों उसका, वो अब एथेनॉल में नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो कल से रोक दिया ना जूस वाला। हाँ अब मैं आपको समझाऊं, वही कह रहा हूं, तो उस तो हाँ तो उसी फैक्ट्री को मैं CAV बनाऊंगा, उसमें बीएवी भी नहीं अलाउड है, वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट उतना बीएवी का आगे प्रोग्राम दे देगी, तो वो सब चीजें आगे पता, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा अनुज। जहां चीनी आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा था, एक हाँ प्लीज एक्सप्लेन करिए आप, हाँ प्लीज एक्सप्लेन करिए, मैं सुन रहा हूं। आप समझो, समझो मैं एक फैक्ट्री का नाम और एग्जांपल लूं, सब सब समझ जाएंगे एक बार में। एक फैक्ट्री में हमारे लेटर से मैजापुर 60 लाख क्विंटल गन्ना क्रश होता है, उसमें हम लेटर से 5 करोड़ एथेनॉल बिट किए, अब वो 5 करोड़ एथेनॉल जीरो हो गया लेटर से, तो 60 लाख क्विंटल पे जो रिकवरी आएगी उतनी बोरे चीनी बन जाएगी, तो वो चीनी देश के प्रोडक्शन में जुड़ जाएगी जो कल को नहीं जुड़ती। दिस इज हाउ प्रोडक्शन विल इंक्रीज ऑल ओवर द कंट्री, आप समझे बात? तो वो फैक्ट्री मेरी आइडियल नहीं है, बट चीनी बना रही है। अब चीनी बनाने में जो चीनी का रियलाइजेशन होगा वो क्या आएगा वो वक्त बताएगा, आज के दिन बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजिंग देयर बी अ बेरिश इंपैक्ट, बेरिश इंपैक्ट। अब कितना इंपैक्ट होगा, मार्केट इज अंडर शॉक, वी विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट 1 वीक। नहीं नहीं, इश्यू तो वही है ना विवेक जी, क्योंकि अगर पूरा का पूरा किया ही इसलिए गया कि शुगर के प्राइसेस ना बढ़े, तो ऑब्वियसली शुगर का रियलाइजेशन भी इस साल में तो बहुत ज्यादा मिलने से रहा आपको, इतना कम घटेगा वही बात कर रहा हूँ।
दूसरी चीज जो मैं आपसे पूछ रहा था, सॉरी थोड़ा डिले है एक्चुअली विवेक जी, तो इस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास जो विजिबिलिटी थी कि अब हमको इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास विजिबिलिटी थी उस चीज को लेकर, उस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से? आप अनुज दो मिनट बात करते फार्मर और दो मिनट फिर लास्ट में बैंकर, तो फार्मर को भी कुछ तो झटका लगेगा ही। जो पेमेंट हम लोगों ने चालू किया था बलरामपुर ग्रुप, वी स्टार्टेड पेइंग इन 10 डेज बिकॉज वी एडेड कैपेसिटी, वी वांटेड केन, सो माय कैश फ्लो विल गेट डिस्टर्ब नाउ। सो अब देखना पड़ेगा क्या कितने दिन में पेमेंट कर सकते हैं। कई लोग जो पहले जितने दिन में कर सकते थे, अब बैंकर क्योंकि पीछे हटेगा वो उसका कॉन्फिडेंस हिलेगा, तो अगर बैंकर पीछे हट गया तो फिर पेमेंट में बहुत डिले हो जाएगा और किसान अलग परेशान हो जाएगा, जहां उसका 5000 क्विंटल गन्ना लिफ्ट हो रहा था लेटर से 50000 हो 30000 होगा, तो इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑल ओवर विद द बैंकर विद द फार्मर एवरीवेयर, क्योंकि शॉक ट्रीटमेंट है ना अनुज। अगर उद्देश्य में पहली बार क्या कहा, सरकार का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य 10 साल हमारा साथ दिया है, यही उद्देश्य को अचीव करने का बहुत और तरीके थे। There were soft landings on the way, but आप मिलते बताते मतलब कुछ तो हमारे पर भरोसा करते ना कि हम भी आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं, जरा सा साथ मिलके इसका सलूशन बना लेते, तो दर्द इतना ही। आपको ज्यादा टीस इस चीज की है कि ये डिसीजन बस ले लिया गया विदाउट एनी कंसल्टेशन और विदाउट एनी कंसिडरेशन कि इतने इन्वेस्टमेंट्स एक चीज में हो चुकी हैं। अनुज टीस नहीं घाव है, टीस तो उलाना है, छोटी सी चीज है, तो ये तो शॉक लैंडिंग है। तो आप समझिए टीस उस बात की नहीं कि हमारे को सलाह नहीं की, इट्स नॉट ईगो, इट्स द वे ऑफ वर्किंग, यू ब्रिंगिंग थिंग्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट सडनली। तो यही उद्देश्य हम दूसरे तरीके से बखूबी ले आते रास्ते पे, चीज वही होती। सरकार का उद्देश्य जनरल इलेक्शन है, महंगाई सरकार को पसंद नहीं, सर माथे उनकी पूरी इज्जत रखते और यही चीज करके दे देते। तरीका बड़ा अजीब है और इससे बहुत बेटर तरीके थे जिसमें किसी का सिस्टम का कॉन्फिडेंस नहीं हिलता। विवेक जी मेरे ख्याल से अभी भी आप अगर एक एज इंडस्ट्री एक रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं सरकार के पास तो शायद सुने उस चीज को, अगर आप ये कन्विंस कर सके उन्हें। हाँ बिल्कुल, अगर आप उन्हें कन्विंस कर सकें कि इस फैसले को चेंज करके भी आप इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि चीनी की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, बॉटम लाइन ये। हम उनके साथ हैं ये और बोल दूं मैं, और उनपे पूरा भरोसा ये भी और बोल दूं, जो ये वक्त है जब फ्रैक्चर रिपेयर हो रहा है या वो कास्ट लगा है तो वो जैसा दिखने में लगेगा, दिखने में खराब लगेगा और काम करने में मुश्किल होगी, दिनचर्या में मुश्किल होगी, तकलीफ वही है। तकलीफ हो रही है, चलिए बिल्कुल थोड़ी तकलीफ तो है यहाँ पर। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने कॉम्प्लेक्स इशू को आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया एकदम एक बेसिक लैंग्वेज में, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। चलिए भाई, थैंक यू। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।